हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ। तो मेरा नाम है इमरान रजा और मैं हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे तीन पॉइंट जो आपके नर्सिंग में जाने से पहले जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद जब मैं गया था तो मैंने ये फेस किया और मुझे लगा कि मैंने आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर जो है वीडियोस बना रहा हूँ। इसलिए आप पहले ही जान लो अगर आपने नर्सिंग ज्वाइन किया तो। तीन पॉइंट आपको बताने के लिए सेलेक्ट किए हैं। जो नंबर तीसरा पॉइंट है वो आपकी नर्सिंग लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो जान लेते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है। तो पहले पॉइंट में आप जो है नर्सिंग जब ज्वाइन करोगे तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, यानी कि प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्स कर रहे हो। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो उनके सीनियर्स होंगे और आपका जब इंट्रो लेंगे तो आपको उनसे कोई भी लाउडली बात नहीं करनी है। मतलब बोलते हैं वो करना है। अगर आप हो सकता है कि आपके कॉलेज में रैगिंग भी हो सकती है, आपके सीनियर कर सकते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे कॉलेज में जो थी रैगिंग बैन थी। लेकिन आपको जो सीनियर्स को बोलना है बहुत ही अच्छे से बोलना है, उनको सर सर करके ही जो है आपको बोलना है। आप पापा जो है बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इन्हें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बोलूँगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपके लिए ही बाद में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब आप NCP बनाओगे ना, हॉस्पिटल की जब आप NCP बनाओगे तो वो आपको क्योंकि टीचर्स बोल देते हैं सीनियर्स के पास जाओ, सीनियर्स से हेल्प लो, हम इसमें कोई हमारा रोल नहीं है, बस वो चेक करेंगे और देंगे। तो आपको जो वो कराएंगे वो सब सीनियर ही कराएंगे, तब उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला पॉइंट ये था। तो चलिए तो नंबर दो, दूसरे पॉइंट में मैंने बात की है टीचर्स। जी हाँ, दूसरे पॉइंट में मैंने रखा टीचर्स को। टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो चाहे वो कॉलेज के टीचर्स हो। स्कूल के टीचर्स जो होते हैं अगर हम गलती करते हैं तो मार देते हैं, मार लेते हैं, पीट लेते हैं, लेकिन जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो सुनाते ही मतलब इतनी खड़े होकर इतना सुना देते हैं कि जो स्कूल की जो मार थी ना उससे भी कहीं ज़्यादा आपको वो चोट देने वाली होती है। तो ये गलती मत करना कभी भी। आप टीचर्स की निगाहों में नहीं आना है, आपको कुछ भी आप करो लेकिन आपको कभी भी जो है टीचर्स की निगाहों में नहीं आना है। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है जो आप टीचर्स की निगाहों में आ जाओ। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं ये भी बताऊँगा आपको क्यों नहीं आना है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी टीचर से आपको कोई गलती हो जाए और आपको टीचर बात करे या आपसे कुछ पूछे तो आपको कभी भी टीचर्स के साथ आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करोगे तो भी आप नज़र में आ सकते हो टीचर्स की। टीचर्स की मतलब रिस्पेक्ट करो, उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है और उनकी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं आना है आपको बिल्कुल भी। और क्यों नहीं आना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा 75 मार्क्स का जो होता है एग्ज़ाम पेपर होता है और 25 मार्क्स जो देता है वो टीचर्स देता है। टीचर्स किस बेस पर देता है वो आप में कैसे हो, आपकी कैपेसिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है, इसी बेस पर जो है आपको जो है नंबर मिलेंगे। अगर आप जो है टीचर्स से बहस करते हो या टीचर्स की निगाहों में आते हो, बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हो, टीचर्स आपको रोज डांटता है, फिर आप फिर भी जो है नहीं सुधर रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ध्यान रखें कि आप जो है टीचर्स की निगाहों में नहीं आ और कभी भी टीचर्स से ही बात कर लेते हैं। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब आप कॉलेज में आ गए, फ्रेशर से मिले, टीचर्स से मिले, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ न्यू आता है, फ्रेंड्स लोग। फ्रेंड्स आते हैं आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स लोग जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आप होते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, और कुछ एक दो हफ्ते या वन वीक टू वीक में ही जो है अपनी फीलिंग जो है शेयर करने लगते हैं। फीलिंग यहाँ तक कि अपनी ऐसी हर बात वो उन्हें शेयर कर देते हैं, बिल्कुल इतने ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं और वो अपनी हर चीज़ जो है उनके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन उनका दोस्त होता है वो ये तो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ो। क्योंकि बढ़ो, एक दिन ऐसा आएगा वो आपको गिराने की 100% कोशिश करेगा ही, कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ो, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा ही। उससे जब मौका मिलेगा वो आपको तब तब गिराएगा और आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ भी सेम बिल्कुल ऐसी ही हुआ है और मैं अब सीख चुका हूँ काफ़ी कुछ। तो मैंने सोचा कि यार आपको भी ये बताना चाहिए। मैं यही था कि किसी पर इतनी जल्दी जो है आपको बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो,
वन टू वीक, 3 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, आप जब आपको लगे कि हाँ ये सेम मेरी सिचुएशन मतलब समझ सकता है और मेरी टाइप का ही है, तब आप उसको फीलिंग जो है शेयर करो। तो ये थे 3 पॉइंट जो आपके लिए जानने बहुत ही ज़रूरी थे, तो मैंने आपको ये 3 पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपको जो भी पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगा हो कि हाँ ये आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको कमेंट में बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दो, दबा दो, क्योंकि मैं नर्सिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी वीडियो देख सको सबसे पहले। और आपको अगर आपने नर्सिंग लाइफ अभी ज्वाइन की है तो आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको कोई भी हेल्प, किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।